हेलो दोस्तों, आज हम आपको अखंड ज्योत को कैसे जलाना है यह बताएंगे। सबसे पहले गुम्बद को ऊपर से उठाकर इसमें गरम किया हुआ घी डालेंगे। इसमें एक बार में 2 या 3 दिन के लायक घी डाला जा सकता है। यह है आपकी अखंड ज्योत को 2 या 3 दिन के लिए जलाने में सहायक होगा। इसकी खासियत यह है कि यह 2 या 3 दिन में एक बार इसके अंदर घी डालना पड़ेगा और इसके बाद आपको बार बार इसमें घी डालने की परेशानी से आराम मिलेगा। अब आप धीरे धीरे इसमें गरम किए हुए घी को भरेंगे, मगर मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसके अंदर सरसों का तेल डाला है, ताकि आप इसे बड़े आसानी से समझ पाएँ कि हम इसमें घी को कैसे डालेंगे और इसे पूरी तरीके से कैसे भरेंगे। जब यह भर जाएगा, तब आप इसे उल्टा करके अपने अखंड ज्योत के दिए के अंदर इसे स्थापित कर देंगे, जैसा कि आप अभी आगे देखने वाले हैं। यह पूरी तरीके से भर चुका है। अब हम इसे अखंड ज्योत के दिए के अंदर स्थापित करेंगे, उसके बाद हम इसे प्रज्वलित करना सीखेंगे। जैसे ही हम इसे इसके अंदर सेट करते हैं, वैसे ही इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। यह तेल तब तक निकलेगा जब तक यह अपने आप पूरा भर नहीं जाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बूंद बूंद करके टपकना शुरू हो गया है। पहले यह एक धार के रूप में इसमें गिर रहा था, मगर अब यह धीरे धीरे अपन बंद होने लगा है। जब यह पूरी तरह भर जाएगा, तब यह बूंद बूंद टपकना भी बंद हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें जोत तैयार करके जोत लगाना सीखेंगे। उसके लिए हमें एक रुई का टुकड़ा चाहिए, जो हमें जिससे हम उसकी जोत बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी जोत को प्रज्वलित करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी जोत तैयार करते हैं और इसके अंदर अपनी जोत को हम लगाते हैं। इसे अच्छे से इसमें डुबो कर एक बार हम इसे तरीके से लगा कर उसके बाद हम दिया सलाई की मदद से इसे हम जलाते हैं। जलाने के तुरंत बाद यह अपने अच्छे प्रकार से जलना शुरू कर देगी। अब हमने इसमें जोत को लगा दिया है, दिया सलाई की मदद से इसे अब हम जला रहे हैं। यह माता की जोत अब जल रही है। यह इसे अब 2 या 3 दिन के लिए आपको दोबारा इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप इसमें एक बार घी डालने के बाद दोबारा इसमें आपको 2 या 3 दिन के लिए आप इसे जला सकते हैं। अभी ऑर्डर करें अखंड ज्योत।